तेरा पंथ भवन अररिया में अररिया जिला प्रशासन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, आपका धन्य वर्तन। क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? बहुत जरूरत पड़ गई। ये बैठक बहुत पहले ही रखनी चाहिए थी, मगर बहुत लेट से ही बैठक रखा गया है। इसकी बहुत ही आवश्यकता थी हम लोगों की। हम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोगों को सही अधिकार नहीं मिल रहा है जो कि हम लोगों को मिलना चाहिए। पंचायत में हम लोगों की जवाबदेही है, जनता जो हम लोगों को चुनी है, जिस तरह से हम लोगों को मतलब लाख जितने की आबादी है जो हम लोगों के पंचायत में, उसमें हमको जो चुनी है कोई मकसद से चुने हैं, जो मकसद उन लोगों का पूरा होना चाहिए। उन लोगों को हम लोग को अधिकार मिलेगा तब ना हम लोग उनका गांव का विकास करेंगे, उन लोगों को भी जरूरत पूरा होगा उन लोगों का भी। इसलिए ये बैठक बहुत जरूरत ही रखने की आज। आप लोगों को विकास में क्या कमी आ रही है? विकास में कमी आ रही है, मैं मुखिया पलासी प्रखंड सुखसेना पंचायत से, हमारे पलासी प्रखंड में बहुत सारी चीज़ों की कमी आ रही है। पदाधिकारी क्या होता है ऑफिस में जितने भी है पदाधिकारी लोग, उन सब में इसमें भी कमी आ रही है। बहुत सारी कमियों को देखते हुए हम लोग ये आज बैठक रखे हैं। क्या आप लोगों से जनता खुश है? क्या 2 साल हो गया जीत के चुनाव? जनता किस तरह से खुश रहेगी? जनता का जब हम काम ही नहीं करेंगे जनता कैसे खुश रहेगी? कोई भी काम है, जैसे आप ही लोग काम कर रहे हैं, आप लोग से कोई संतुष्ट कैसे होगा? आप लोग उनका काम करके दीजिएगा तब ना संतुष्ट होंगे। तो हम लोग उनका काम करेंगे तब तो संतुष्ट होंगे। कुछ मतलब जिम्मेदारी आदमी को जो मतलब ऊपर उठाता है, कुछ जिम्मेदारी आदमी को कुछ चाहिए तो जरूरत जब हम पूरा करेंगे उनका तब तो हमको पसंद करेगी। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग यही करते हैं कि हम लोग के अधिकारों को मतलब देखिए, हम लोग का कौन अधिकार है, कैसा अधिकार हम लोग का अधिकार को दे, ताकि हम अपने जनता को खुश कर सके, हम अपने ग्राम पंचायत में विकास कर सके। मैं मुखिया ग्राम पंचायत राष्ट्रीय सेना पलासी प्रखंड। बैठक है, क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए हम लोग मुखिया संग बैठक किए हैं, पूरे जिले के मुखिया, कोई ज़रूरत होगी हम लोग को कमी महसूस हो रही है, 2 साल होने चला मुखिया पद, लग नहीं रहा है कि हम लोग मुखिया हैं, कोई पावर ही नहीं लग रहा है हम लोग के पास की कोई जिला के हम लोग अपने यानी कि पंचायत के पावरफुल में है। काम करने में परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, ब्लॉक दौड़ना पड़ता है, ऊपर से सुनाया कुछ जाता है, काम कुछ होता है, काम में बहुत ही रफ्तार जो है काम है, ऊपर से पावर फुल रहेगा, ब्लॉक से हम लोग पर भी ये रहेगा तभी तो काम करेंगे। हम लोग से नहीं, हम लोग खुश हैं, नहीं मेरी पब्लिक खुश है, हम लोग एकदम खुश नहीं है। ये यानी कि ब्लॉक में जो अफसर लोग बैठे हुए हैं लगता कि वो लोग फुल पावर में हैं, क्या होगा नहीं होगा, टाइम हम लोग का 2 साल गुजर गया है, काम देखिएगा तो कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। नाला बना है, छोटा सा नाला बना है, 2 साल में हम काम करने के लिए बने हैं, नहीं कि घर में हम सोने के लिए बने हैं। हमको काम चाहिए, हमको मेरा जो अधिकार है वो मिलना चाहिए भाई। मेरा नाम तबस्सुम है, मेरा पंचायत नाला बनवा रानीगढ़ अररिया है। आज की बैठक क्या क्या उद्देश्य है? देखिए आज की बैठक पूरे जिला के मुखिया के साथ हम लोगों ने रखा है, इसमें कई मुद्दों पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोगों का भत्ता जो एक मनरेगा मजदूर से भी कम है, 80 रुपया दिन के हिसाब से हम लोगों को सरकार भत्ता दे रही है, जो बहुत दुख की बात है कि एक प्रधान जो दिन भर जिसके ड्यूटी का कोई समय नहीं होता है, 24 घंटा वो जनता के लिए तैयार रहता है और उसको भत्ता के तौर पर सरकार 80 रुपये दिन देती है, इसके लिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी जिला से हमारी शुरुआत है, हम लोग बिहार के राज्य तक जाएंगे और इस मांग को हम लोग रखे हैं कि हम लोगों के भत्ता को बढ़ाया जाए और एक मतलब सम्मानजनक भत्ता हम लोगों को दिया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मनरेगा में ग्राम पंचायत में 20 योजना के बाद हम लोगों का योजना नहीं खुल रहा है, जो हर पंचायत की समस्या है, जो अभी कुछ मुखिया जी लोग नहीं बता सके वो हम लोग विस्तार से अभी बताएंगे। उसके बाद टाइड एंड टाइड का कुछ मामला है, जो हम लोग ग्राम सभा में
ग्राम सभा से पारित करके अवाम से लोगों से ग्राम के लोगों से पूछ करके ये तय करते हैं कि हमें कौन सा योजना ग्राम पंचायत में चलाना है। लेकिन सरकार की तरफ से जो चिट्ठी आती है उसमें गाइडलाइन कुछ और होता है। इस समस्या पर भी हम लोग बात करने वाले हैं और ढेर सारी समस्याएं हैं। बहुत पूर्व में ये चीज़ कहा गया था कि कैंप पर लगा करके मुखिया जी लोगों को सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि पूरे बिहार में अब तक हमें लगता है सैकड़ों मुखिया की हत्या हो चुकी है। सरकार घोषणा कर चुकी है लेकिन आज तक इसको अब तक घोषणा को सही रूप से लाने का काम नहीं किया है। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया लेकिन कई कई त्रुटियां दिखा करके उसको वैसे ही ठंडे बस्ते में रखा जा चुका है। सरकार ने कहा था कि कैंप पर लगा करके मुखिया लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा, एक ये मुद्दा भी है। और अभी आवास 2 साल हो चुका, आवास का लक्ष्य हम लोगों को नहीं आया है। हम लोगों को रोजाना कभी तो आधार कार्ड लिंक करने के लिए कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। 2 साल होने जा मतलब 2 साल लगभग 3 महीना बचा हुआ है 2 साल होने को। अभी तक हम लोगों के किसी पूरे बिहार के किसी ग्राम पंचायत में आवास का लक्ष्य नहीं आया। जो पुराना लक्ष्य था उसी को हम लोगों ने किया, नए लक्ष्य का अभी तक इंतजार हो रहा है। हमारे एक मित्र ने बताया कबीर अंत्येष्टि के लिए पहले हम लोग पहले भी मुखिया रह चुके हैं, वो भी मुखिया रह चुके हैं। कभी किसी की मृत्यु होती थी तो हम लोग वहाँ पे जाते थे, हम लोगों के खाते में पैसा होता था, उन लोगों को सहायता राशि कफन दफन के लिए उसी वक्त हम लोग दे दिया करते थे। तो ये प्रचलन पहले से चलता आ रहा है। अब सरकार ने उसको कई साल से बंद कर दिया लेकिन जनता ये नहीं समझ रही है कि उसको बंद कर दिया। हम लोगों को अपने घर से अपने कोष से देना पड़ रहा है। ये पहले हमने कह दिया कि हमारा सैलरी 80 रुपया दिन है। आप सोच सकते हैं कि 80 रुपया दिन में एक प्रधान एक मुखिया क्या कर सकता है। और उसी पब्लिक के वोट से हमारे MLA साहब भी जीत के आते हैं, हमारे MP साहब भी जीत के आते हैं। ये जरूर है कि उनका क्षेत्र बड़ा है, मेरा क्षेत्र छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी जनता जब वोट दे के बनाती है तो उनका सैलरी आपको अच्छी तरह से पता है कि उनका सैलरी क्या है, उनको सुख सुविधा क्या है, उनको सरकारी गार्ड मिलता है, उनको ड्राइवर मिलता है, उनको धोबी मिलता है, उनको रसोईया मिलता है, उनको घर मिलता है, उनको गाड़ी मिलता है, सारा सुविधा उनको सरकार दे रही है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग छोटे ही क्षेत्र से जीत के आते हैं लेकिन हम लोगों को ये सब किसी सुख सुविधा की मतलब कोई ये सुविधा नहीं है। और हम लोगों को 80 रुपया दिन आप सोच लीजिए कि एक मनरेगा मजदूर से भी कम भत्ता देने का काम सरकार कर रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग अब जिला से राज्य स्तरीय हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। ये अभी शुरुआत है, आने वाला समय एक दिन आएगा कि हम लोगों की ये शुरुआत जो है बिहार पूरे बिहार को हिला के रख देगी। नहीं, हम लोगों की बात अपने लीडर तक हो रही है। हम लोग बात पहले सरजमीन से उठाना चाहते हैं, सरजमीन से इसलिए उठाना चाहते हैं कि लीडर से हम लोग अगर ऊपर बात कर लेंगे जमीन पर लोगों को बात का पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये ऊपर से भी निर्देश है कि आप लोग अपने अपने प्रखंड और जिला में ये बैठक करके नीचे से इस बात को ऊपर तक ले जाने का काम करें। आप लोगों को चुनाव जीत के 2 साल हो गया है, विकास में कितनी गति आई है, तो आपने अपेक्षाएं की थी सरकार से, क्या वो मिल रहा है? विकास में हम लोगों को जो फंड सरकार की तरफ से आई वो सब लोग करीब करीब अपने अपने ग्राम पंचायत में उस काम को करके अब इंतजार में बहुत सारे लोग एडवांस में भी काम कर चुके और इंतजार में है कि कब हम लोगों को फिर फंड आएगा और उसके बाद काम होगा। अभी किसी करीब करीब किसी भी ग्राम पंचायत में कोई फंड नहीं है। महिला हैं, महिला मुखिया बहुत सारी आई हैं, कुछ और आ भी रही हैं, कुछ लोग आ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। महिला मुखिया की भागीदारी है तो महिला मुखिया हम लोगों के साथ है और जो महिला मुखिया है वो हमारे यहाँ हैं। गांधी ने जो सपना देखा था गांधी जी ने पंचायती राज को लेकर के, कितना लगता है कि धरातल को उतर है? आज का जो हम लोगों का जिला स्तरीय मुखिया संघ की जो बैठक है, सभी माननीय मुखिया जी यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, आज का मुख्य उद्देश्य है कि गांधी जी का जो सपना था कि हर हिंदुस्तान का विकास गांव से गुजरेगा तभी वो हिंदुस्तान का विकास हो सकेगा, गांधी जी का सपनों का साकार नहीं हो पा रहा है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी का भी सपना था कि हिंदुस्तान का विकास तभी हो सकता है जब गांव का विकास होगा, तो गांव का विकास के लिए पंचायती राज का गठन किया गया और पंचायती राज का जो सपना
था वो पूरा नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात, एक पंचायती राज का सपना था कि गांव का विकास, गांव का लोग एक मंच पर बैठ करके निर्णय लेंगे कि कौन सा योजना वहां पर बनाया जाएगा, कौन सी योजना की ज़रूरत है, किस योजना से गांव का विकास होगा। ये चीज़ ये सरकार ख़त्म कर दिया है मनमाने ढंग से। ऊपर से जितने लोग पैराशूट से आए हैं वो लोग वहाँ से योजना बनाकर हम लोगों को थोपा जा रहा है। जो ग्राम सभा का जो सपना था वो ग्राम सभा का सपना को ख़त्म कर दिया गया है। मात्र एक फॉर्मेलिटी रह गई है कि गांव में ग्राम सभा कर। अभी कई साथी हमारे आवास योजना के बारे में कह रहे थे, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आप प्रधानमंत्री प्लस आवास योजना के नाम से अभी दिया गया है, विगत डेढ़ साल से अभी तक कोई लक्ष्य हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। पुराना लक्ष्य था उसको दिया गया है। अभी तक होता यह है कि हम लोगों से जो पहले पूर्व के मुखिया थे उन लोगों से आवास प्लस में ना ये करा करके, नाम ले करके उसको ग्राम सभा के माध्यम से पारित कर दिया गया और वो सूची हम लोगों को सौंप दिया गया। तो पूर्व के मुखिया जो थे, जो भी माननीय लोग थे, वो अपने चहेते लोगों को दिया। लेकिन पहले ऐसा होता था, क्योंकि हम 2001 से अभी तक लगातार मुखिया हैं, कि ग्राम सभा में बैठ करके हम लोग चयन करते थे कि हमारे अंतिम पंक्ति के लोग कौन हैं, किसकी ज़रूरत है, कौन भवनहीन है, उसको भवन दिया जाता था। आज वो प्रक्रिया समाप्त कर दिया गया है। बैठे बैठे PHH कार्ड से ही इंद्रावास प्लस का सूची हम लोगों को थपा दिया गया, उस पर भी सरकार पैसा नहीं दे रही है। रही बात, अभी आप लोग विकास की बात कर रहे थे, अगले अक्टूबर में पैसा आया था सभी मदों में, चाहे वो सिस्टम हो, सिक्स्थ फिनांस हो या 15 फिनांस, उसमें आज तक कोई पैसा नहीं आया। सब में जो फैकल्टी है सबको बांट के रुपया को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया है। फिर भी हम लोग उसमें विकास कर रहे थे धीरे धीरे, छोटा छोटा प्राकलन बना करके, लेकिन विगत 8-9 महीना से अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। सरकार से ये भी मांग होगी, आज का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग, चूँकि जिला पदाधिकारी के महोदया के जो संज्ञान में नहीं है, उनके निचले स्तर के लोगों में जो भ्रष्टाचार है, हम लोग जिला पदाधिकारी महोदया से मिलकर सभी वस्तु स्थिति को उसको बताएंगे। उनके संज्ञान में बहुत सारी बातें नहीं हैं, आप देखे होंगे कि पलासी में बहुत सारी बातें उनके संज्ञान में नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने जो आवेदन दिया उसको त्वरित कार्यवाही करते हुए चार चार कर्मी को, यहाँ तक के PO को भी बर्खास्त किया। तो हम लोग बहुत आशा रखते हैं जिला पदाधिकारी महोदया से कि आज हम लोग कार्यक्रम के बाद समय मिलेगा, उनसे मिल करके सभी बिंदुओं पर जो विकास में रुकावटें आती हैं, जो ये बुधवारी जांच और बृहस्पति जांच होता है, इसका क्या बेनिफिट उसको मिलता है, कि क्या बेनिफिट है, या सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, इस संबंध में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बहुत सारा जो पंचायती राज का हम लोगों को जो 29 विभाग सौंपा गया था, मात्र विभाग का नाम दिया गया, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है वह सभी चीज़ पर कब्जा किया हुआ और काबिज है, जिसके वजह से ये पंचायती राज का सपना साकार नहीं हो रहा। सभी लोग ब्यूरोक्रेट डरा धमका कर अभी के समय में मुखिया को एक दलाल बना दिया है। हर कोई जितना जाता है, जितना टेबल है, सब लोग दलाल के रूप में मुखिया जी से ही वसूली करना चाहता। इस पर भी हम लोग जिला पदाधिकारी महोदया से ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज अपना हो, ग्राम से जुड़ा हुआ हो, उसमें हम लोगों को सरकार के थ्रू कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। आप बता दीजिए कि हम लोग सिर्फ नाम के मुखिया हैं, काम टोटल सरकार अपने अधीन से करवाती है। हम लोगों कहता है ग्राम सभा में लीजिए, JPDP में लीजिए, हम लोग कुछ और चलाते हैं, उसका फॉर्मेट कुछ और आता है, हम लोगों का कहाँ कुछ रहा है। तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया इसके खिलाफ? हम लोगों का आवाज़ है कि सरकार हम लोगों की बात को सुने और बात रखे। जो पंचायती राज, जो गांधी जी का सपना है, उस सपने को पंचायत के स्तर पर उसको सफल बनावे, अभी असफल दिखती है। नहीं, आपका एक्शन प्लान क्या है? हम लोगों का है कि हम लोगों के पास अभी 2-2.5 साल हो गया है सरकार के थ्रू, हम लोगों को कहीं कुछ नहीं आया।
ना मिल रहा है। नहीं, सवाल ये है कि आप अपने आवाज़ को कैसे पहुंचाएंगे पंचायती मिनिस्ट्री के पास? हम लोग तो अपनी आवाज़ को गांव-गांव में बैठक करके, जिला में बैठक करके, इसी तरह हम लोग आवाज़ पहुँचाएंगे। बैठक का यही उद्देश्य है क्या, सरकार तक आवाज़ जाए आप लोगों? हम लोगों का यही उद्देश्य है कि सरकार हम लोगों की आवाज़ को सुने और हम लोगों की तरफ ध्यान दे। मुखिया सिर्फ गाली सुनने का शब्द रह गया है ग्राम में, ग्रामीणों से। जो आप लोगों ने उम्मीद की थी विकास की, क्या विकास पे गति आई है? विकास किस चीज़ से कीजिएगा भाई, सरकार आपको देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है और सरकार कुछ दे भी नहीं रही है पौने दो साल से, क्या कीजिएगा? परिचय अपने। मेरा नाम आदिल हुआ, मुखिया प्रतिनिधि बनगामा अरड़िया। शस्त्र का लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया और हम लोगों को मान सम्मान के लिए ग्राम सभा का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि ग्राम सभा करने के लिए एक फॉर्मेलिटी बच गई है कि ऊपर से चिट्ठी प्राप्त होता है कि आपको ग्राम सभा में अमुक अमुक योजना लेना है और उसी के अनुसार ग्राम सभा कर लेना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुझे जिस लाभुक का नाम है उसको कहा जाता है कि आप ग्राम सभा करके इसको डिलीट कीजिए, इसको हटाइए, लेकिन जोड़ने का अधिकार हमको नहीं है। वंचित समाज के लोग, वंचित लोग, गरीब लोग जिनका नाम आवास में नहीं है, किसी कारणवश आवास सहायक कर्मचारी द्वारा या सरकारी तंत्र द्वारा उनका नाम नहीं जोड़ा गया है या काटा गया है, ये अधिकार मेरे को नहीं है कि ग्राम सभा में हम उसको जोड़ सकें। और हम लोगों की मान सम्मान की जो लड़ाई है, अगर प्रशासन को कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसके लिए दिन रात खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे पंचायत के समस्या के लिए अगर किसी पदाधिकारी के यहाँ जाना पड़ता है तो सैकड़ों चक्कर लगाने के बाद भी मेरी सुनवाई नहीं होती है। इन सब बातों को लेके हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हम लोग का एक मेमोरेंडम पंचायती राज मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, जिला पदाधिकारी महोदया, प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों को इसकी सूचना जा सके कि मुखिया संघ के लोग अब जाग गए हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई यहां से लेके पटना तक लड़ेंगे। इस तरह की बैठकें और आगे भी होगी क्या? ये चरमबद्ध तरीका से चलते रहेगा, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो हमारे जो संगठन के लोग हैं वो लड़ते रहेंगे इसके। अच्छा, आपको आर्टिकल में प्रोविजन भी दिया गया है तो क्या आप कोर्ट का भी रुख करेंगे? कोर्ट का रुख तो अभी हम लोग नहीं सोचे हैं, इसके बारे में विचार करेंगे हम लोग, समय आएगा। सब्सक्राइब कीजिए अरड़िया लाइव के यूट्यूब चैनल को।